मोहन भागवत जी के बयान को लेकर के जिस तरह से विवाद पूरे देश में उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, आप क्या कहेंगे? एक ही प्रश्न, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य द्वारा इस विषय के बारे में बयान दे दिया गया है। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने संघ में कार्यकर्ता कैसे तैयार होते हैं और समाज के अन्य लोगों को तैयार करने में कैसे समय लगता है, अनुशासन के कारण कैसे स्वयंसेवक तैयार होते हैं, इसको बताने के वक्त में ये कहा था उन्होंने, समाज में जो आवश्यकता पड़ती है, संविधान यदि जाते या सरकार जाती है तो समाज के लोगों को सेना बनाने में, समाज के लोगों को लेकर सेना बनाने हैं तो उनको ट्रेनिंग देना है, बाकी देने में 6 महीने लगते हैं। लेकिन संघ के स्वयंसेवक चूंकि प्रतिदिन कवायद करते हैं, अनुशासन में आते हैं, देशभक्ति के हरदिन पाठ सीखते हैं, इस कारण से उनको एक रेडीमेड ऐसे व्यवस्था है जो 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। ऐसे उन्होंने एक समाज में संगठित अनुशासित प्रयास होने से कैसे एक सर्व सिद्धता सन्नद्धता रेडी ऐसे एक व्यवस्था हो सकती है, इस संदर्भ में कहा है। सेना की कोई तुलना नहीं है और सेना के बारे में नहीं कहा है, समाज के अन्य लोग का ऐसे अनुशासन माने से जब देश की आवश्यकता पड़ती है सेना जैसे तैयार कर सकते हैं यदि आवश्यकता सरकार और संविधान को लगती है, ये कहा।